समर्पयामि यत्तत्पराधानन्दपूर्तञ्जाश्च दक्षिणः तद्गृदैवैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दत्त श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारान् निवेदयामि अनेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्रीसद्गुरुः प्रीयतां न मम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की बद्री विशाल भगवान की श्री घंटाकर्ण जी महाराज की श्री वेदव्यास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि का कि आप ये कर कमलों से हमारे उन माताओं का सम्मान बढ़ा है मान बढ़ा है जो हम जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं धेड़कू। तो ये भी एक हमारा प्राचीन धरोहर है, प्राचीन काल से हमारे जो नृत्य है वो चलता आ रहा है और इसकी गरिमा कम न हो ये परंपरा हमारी बनी रहे इसलिए इसको हमने अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। कुंडला देवी जगदम्बा भवानी
अब पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वचन आप सभी को प्राप्त होगा। आशीर्वचन के पूर्व परंपरा अनुसार विरुदावली का वाचन करेंगे। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि पूज्य महाराज श्री के आदेशानुसार इस वर्ष हम लोगों ने बद्रीनाथ में एक गुरुकुल आरंभ किया है। पीछे जो बच्चे हैं आपने देखा, वो बच्चे यहीं पे शेष नेत्र में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से गुरुकुल आरंभ हुआ है, जिसमें वो बच्चे वेद और पुराण आदि का अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्हीं विद्यालय में से देवेंद्रधर जी आपको वृदावली वाचन सुनाएंगे, उसके बाद पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन आप सब श्रवण करेंगे। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंतश्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितांत करणाः अलकनंदा तीरवासिनः श्री बद्री नारायण समाराधन मानसाः ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णांबोपासकाः उत्तरामनाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर अनंतश्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की बद्री विशाल भगवान की घंटा कर्ण कुबेर जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्ञा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित संत वृंद वृंद विद्वत वृंद समादरणीय मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जनों, आज
दशहरा पर्व है। दशहरा का मतलब गंगा। आज गंगा का पर्व है। दशहरा एक नाम है गंगा जी का। दस प्रकार के पाप शास्त्रों में बताए गए हैं। तीन शरीर से होते हैं, तीन मन से होते हैं और चार वाणी से होते हैं। इस तरह से कुल दस तरह के पाप होते हैं। दस प्रकार के पापों का हरण कर लेने वाली जो धारा है, उस धारा को दशहरा के नाम से जाना गया है। उन्हीं को गंगा कहा जाता है, उन्हीं को अलकनंदा कहा जाता है और वही कली कलुष निकंदिनी है। बड़ा महात्म्य है उस गंगा का, क्योंकि पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम प्रयच्छति अवगाहिता च पिता च पुनाति ही शतम कुलम। ये बताया गया है कि गंगा गंगा ये नाम लेने मात्र से व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दृष्टा, अगर कोई जा करके गंगा जी का दर्शन कर ले भद्रम प्रयच्छति तो उसका तो मंगल ही हो जाता है, कल्याण ही हो जाता है। अवगाहिता च पिता च, अगर कोई जा करके अवगाहन कर ले माने डुबकी लगा ले अथवा उनके जल का पान कर ले, तब तो बताते हैं जिस व्यक्ति ने ये किया, गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाई और गंगा जल का पान किया, उसके सौ कुल माने एक वो 50 आगे के और 50 पीछे के तर जाते हैं। ये गंगा का महात्म्य है। आज उन्हीं गंगा जी का पवित्र पर्व है। हमने इस बात का स्मरण इसलिए किया, एक तो पर्व है, गंगा जी का स्मरण पुण्यदायक है, लेकिन इस दृष्टि से भी किया कि गंगा जी की धारा में पाप नाशिनी प्रकृति है, स्वभाव है। उसमें कोई जाएगा तो उसके पाप नष्ट होंगे ही होंगे। जैसे पवित्र धाराएं होती हैं, पवित्र जल होता है जो पाप का नाश कर देता है बंधुओं, उसी तरह से पवित्र भूमियां भी होती हैं जहां जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कोई स्थान तीर्थ क्यों हो जाता है, तीन कारण बताए गए हैं शास्त्र में। एक प्रभावाद अद्भुताद भूमे हैं सलिलस्य च तेजसा परिग्रहान मुनि नाम च तीर्था नाम पुण्यता स्मृता। तीन कारणों से कोई स्थान तीर्थ बन जाता है। पहले तो उस भूमि में विशेष प्रभाव हो। किसी किसी भूमि में ही ऐसा प्रभाव होता है कि वहाँ जाते ही मन आह्लादित हो जाता है, वहाँ जाते ही पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य और भाग्य का उदय हो जाता है। दूसरे, कोई कोई जल की धारा ऐसी होती है जिसमें ये गुण होते हैं। और तीसरे, अगर कोई ऋषि मुनि, कोई महान आत्माएं किसी स्थान विशेष को अपना लें, अपना बना लें, तो वो स्थान भी पवित्र करने वाला बन जाता है। तीन कारणों से कोई स्थान पवित्र बनता है। बंधुओं, आज अपने लोग जिस स्थान विशेष में बैठे हुए हैं, इसमें एक विशेषता नहीं है बल्कि तीनों के तीन विशेषताएं विद्यमान हैं। यहां अद्भुत जल है और यहां की भूमि भी अद्भुत है। और इतना ही नहीं, महान व्यास उन्होंने आकर के इस भूमि को अपनी भूमि बना लिया, इसीलिए ये भूमि महान तीर्थों की श्रेणी में आ गई है। इसलिए माना ये कोई भारत का पहला गांव, ये कोई भारत का आखिरी गांव, ये कोई सीमांत गांव, ये जो आप नाम देना चाहें, जो महान लोग होते हैं उनके तो हजार नाम होते हैं। अगर ये गांव महान है तो इसके अनेक नाम होंगे, इसमें किसी को कोई बाधा नहीं है, लेकिन असल में ये गांव महान तीर्थ है। हम लोगों के मन में ये बात
प्रश्न के रूप में आती थी कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तईता मोक्षदायिका। हमारे देश में सात मोक्षपुरियाँ मानी गई हैं, महान पवित्र हैं, वहाँ पहुँचने मात्र से कल्याण होता है। तो ऐसी महान पुरियों के होते हुए जो हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी व्यास जी थे, आखिर क्या ऐसा कारण हो गया कि उन्होंने अयोध्या को अपने शास्त्र पुराण लिखने के लिए नहीं चुना, काशी को अपने शास्त्र पुराण लिखने के लिए नहीं चुना, उन्होंने अवंतिका द्वारावती जगन्नाथपुरी इन क्षेत्रों को भी अपने लेखन कार्य के लिए नहीं चुना। वो निकल करके चले आए और माणा गांव की व्यास गुफा में बैठ करके उन्होंने पुराणों की रचना की। क्या ऐसा कारण रहा होगा, ये प्रश्न हम लोगों के मन में आता है। कोई तो विशेषता रही होगी। तो इसी यही पता चलता है कि ये जो आपका माणा गांव है, ये मणिभद्र यक्ष का स्थान है। और मणिभद्र यक्ष ने भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया कि महाराज मेरे क्षेत्र में जो कोई आ जाए उसका भाग्योदय हो जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, जो तुम्हारे क्षेत्र में आएगा उसका भाग्योदय होगा। कहा महाराज एक और वरदान दीजिए, जो मेरे क्षेत्र में आ जाए उसके ऊपर अगर पहले से कोई शाप हो तो वो साप का उद्धार हो जाए। इसलिए इस क्षेत्र में जो कोई आ जाता है उसके शाप का भी उद्धार अपने आप हो जाता है। और तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि अगर उसके माथे पर जान से अनजान से हुआ कोई पाप चढ़ा हुआ हो तो मेरे क्षेत्र में आते ही वो पाप भी नष्ट हो जाना चाहिए। भगवान शिव ने तीनों वरदानों के लिए तथास्तु कह करके अनुमति प्रदान की। इसीलिए इस क्षेत्र में जो आता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके भाग्य का उदय हो जाता है और उसका यश बढ़ने लग जाता है। तो भगवान वेद व्यास जी ने इसीलिए इस क्षेत्र को चुना, क्योंकि उन्होंने अपने लेख में अनेक अनुष्ठान भी बताए हैं और सभी अनुष्ठान प्रायः कलिकाल में शापित हो चुके हैं, सभी मंत्र किलित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो आपका मणिभद्र क्षेत्र है, माणा गांव है, यही आज की तिथि में ऐसा स्थान विशेष है जहां पर किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए अगर कोई आ जाए तो उसके ऊपर जो साप होगा जो उसका उद्धार हो जाएगा, कीलन होगा वो उत्किलित हो जाएगा, निष्किलित हो जाएगा और उसको यहाँ पर मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान वेद व्यास जी ने इस स्थान को अपना क्षेत्र बनाया, यहीं रहकर के 18 पुराणों की और महाभारत की रचना की। अभी जब यहाँ बैठे थे हम, आप लोग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे तो हमको उन्हीं वेद व्यास जी के महाभारत का एक प्रसंग याद आ गया। महाभारत में एक प्रसंग है कि एक घटोत्कच का बेटा, भीम के बेटे घटोत्कच, उनका बेटा बर्बरीक था, वो बड़ा वीर था। तो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले ही वो आ गया, बोला कि मुझे अवसर दे दिया जाए, मैं सब जो भी मेरे सामने आएंगे सबको मैं समाप्त कर दूंगा। तो लोगों ने कहा कि ये अगर लड़ेगा तो फिर बाकी वीरों के लड़ने का मौका ही नहीं आएगा, इसलिए इसको युद्ध से विरत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदारी दी गई, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर को काट करके भी उसको जीवित रखा और कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो बर्बरीक ने कहा महाराज मैं तो युद्ध करना चाहता था, वो तो अब हो नहीं सकता, मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं तो कि कौन कैसा लड़ता है। कहा अच्छा ठीक है, तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा सिर जीवित रहेगा और तुम युद्ध को देख सकोगे। तो एक ऊंचे स्थान पर उसके सिर को विराजमान कर दिया, वहीं से बैठा बैठा वो पूरा 18 दिन का महाभारत का युद्ध देखता रहा, बड़ी बारीकी से देखता रहा।
जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो जो लोग बचे थे वीर रथी अतिरथी महारथी सब जाने कितने तो समाप्त हो गए, लेकिन जो लोग बचे थे उनके बीच में बात चलने लगी कि किसने कितना बड़ा पराक्रम दिखाया। कोई कहता था मैंने सबसे ज्यादा पराक्रम दिखाया, तो दूसरा कहता था नहीं नहीं हमारे द्वारा ये जो कार्य किया गया अगर ये ना किया गया होता तो विजय ना होती। माने सब लोग अपने अपने महात्म्य को आगे रख रहे थे, निर्णय ही नहीं हो पा रहा था कि किसने सबसे बड़ा युद्ध किया, कौन सबसे ज्यादा वीर है, पराक्रमी है, योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण के सामने सब लोग गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई हम तो रथ हाँक रहे थे, हमारा ध्यान नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। ये बात तो वही बता सकता है जिसने निरपेक्ष भाव से पूरा युद्ध देखा हो। तो लोगों को ध्यान नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान दिलाया कि ऐसा एक व्यक्ति है बरबरीक, वो पहाड़ी के ऊपर बैठ करके वहीं से पूरा युद्ध देख रहा है, चल करके उससे पूछना चाहिए कि सबसे बड़ा युद्ध किसने किया, सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तो सब लोग बरबरीक के पास गए, बरबरीक से पूछा बोलो जी सबसे बड़े पराक्रमी योद्धा का नाम बताओ। बरबरीक ने कहा कृष्ण अगर सचमुच में आप हमसे पूछते हैं और सच बोलने के लिए हमसे कहते हैं तो 18 दिन का युद्ध हमने देखा है, बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे थे, ये बात सही है, किसी के पराक्रम के बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमको तो एक चक्र दिखाई दे रहा था जो कभी इधर जाता था कभी इधर जाता था कभी इधर जाता था और वही वही लड़ता दिखाई देता था, दूसरा कोई लड़ता दिखाई ही नहीं देता था। तब सब लोगों को ध्यान में आया कि हम लोग तो निमित्त मात्र थे, असल में तो भगवान श्री कृष्ण का चक्र युद्ध कर रहा था और उसी ने सेनाओं का संहार कर दिया। ये तो महाभारत का प्रसंग है और हमको यहां बैठे बैठे इसलिए याद आ गया कि यहां पर एक के बाद एक प्रस्तुतियां हो रही थी, लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची आपकी वो ऐसे बीच में आकर के खड़ी हो जा रही थी और नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी, उससे बैठे रहा ही नहीं जा रहा था। जैसे ही बाजे की आवाज आती थी और वो थिरकने लगती, जो सही में नृत्यांगनाएं होती हैं उनसे रहा नहीं जा सकता। तो वो गजब की बच्ची वो आकर के बीच में खड़ी हो जाती थी तो हमको लगता था कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े वीर लड़ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार इस गांव के चाहे वो किसी भी उम्र के हों अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं, लेकिन वो बच्ची भगवान श्री कृष्ण के चक्र की तरह से सर्वत्र व्याप्त। कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी बड़ी घटनाओं का अनुभव हो जाता है कि कैसे ये हुआ होगा। तो ये भगवान वेद व्यास का पुण्य स्थान, भगवान शंकराचार्य उन्हीं की परंपरा में आते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने भी बहुत बड़ा सनातन धर्म की रक्षा का कार्य किया, आप लोग जानते हैं, अष्ट वर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरव्यगात, केवल 32 वर्ष की अवस्था। वेद व्यास जी तो चिरजीवी हैं, वेद व्यास जी आज भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरेन नित्यं मार्कण्डेयम् अथाष्टमम्। जब हमारे यहाँ जन्मदिन किसी बच्चे का मनाया जाता है तो ये श्लोक पढ़े जाते हैं जिनमें चिरजीवियों का स्मरण किया जाता है। आजकल तो पाश्चात्य संस्कृति अपने घरों में आ रही है, अपने लोग जन्मदिन मनाते ही नहीं है, बर्थडे मनाने लगे हैं और उसमें अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन अपनी परंपरा में जो अपनी तिथियां होती हैं, जैसे राम जी का जन्मदिन, राम जी का जन्मदिन अभी अंग्रेजी तारीख से नहीं भारत की तारीख से मनाया जाता है, कृष्ण का जन्मदिन वो जन्मदिन भी अंग्रेजी तारीख में नहीं हिंदी तारीख में मनाया जाता है, आपके वेद व्यास जी का जन्मदिन वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इसी तरह से हमारे जो सनातनी बच्चे हैं उनका जन्मदिन सनातनी तिथियों में मनाया जाना चाहिए,
और उस दिन माता पिता के द्वारा जो चिरजीवी हैं उनका स्मरण किया जाना चाहिए, उससे बच्चा भी लंबी आयु वाला होता है। लेकिन अब वो परंपरा नहीं है तो ये श्लोक पढ़ा जाता है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि ये चिरजीवी हैं अश्वत्थामा बलि व्यास। व्यास जी आज भी जीवित हैं और आज भी उनके दर्शन लोगों को होते हैं, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य वो तो 32 वर्ष धराधाम पर केवल रहे, उसके बाद उन्होंने केदार क्षेत्र में जा करके निर्वाण प्राप्त कर लिया, कैवल्य मुक्ति विदेह मुक्ति प्राप्त की। तो उनके द्वारा भी बहुत कार्य किए गए और आप लोगों को जान करके प्रसन्नता होगी कि जैसे व्यास जी ने अपने सारे साहित्य का सृजन आपके इस पवित्र मणिबद्ध क्षेत्र में माणा कलाप की गुफा में व्यास गुफा में बैठ करके किया, उसी तरह से इसी क्षेत्र को भगवान शंकराचार्य जी ने थोड़ा और खींच लिया और खींच करके इसको जोशीमठ ज्योतिर्मठ तक ले गए और वहाँ शंकराचार्य जी की गुफा में बैठकर 5 वर्ष लगातार, 32 वर्ष की उम्र में 5 वर्ष लगातार वो ज्योतिर्मठ में रहे और वहीं पर उन्होंने अपने शंकर भाष्यों की रचना की, जिसके कारण आदि शंकराचार्य जी को आज भी जाना जाता है। तो आपका क्षेत्र ज्योतिर्मठ तक फैला दिया शंकराचार्य जी, कि वहाँ भी बैठ करके लिखा पढ़ा जा सकता है। तो ये क्षेत्र को उन्होंने विशालता दी, उनके शिष्यों ने और भी ज़्यादा विशालता दी। एक बार 2008 ईस्वी में, आज से 16 वर्ष पहले, जब हम गंगा जी की अविरल निर्मल धारा के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों के आंदोलन का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। विरोध का कारण ये था कि भाई ठीक है, गंगा अविरल और निर्मल होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंगा पे जब बांध बनते हैं तो हमको रोजगार मिलता है, इसलिए हमारे रोजगार को मत छीनिए महात्मा जी, ये उन समय विरोध करने वाले लोगों का कहना था। और ये बहस चली, कहीं से थोड़ी सी शुरू हुई, फिर ये बहुत बढ़ गई और इतनी बढ़ी कि आपके उत्तराखंड के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा जी, उनके साथ जब हम लोगों की बैठक हुई दिल्ली में, प्रधानमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, पर्यावरण मंत्री भी थे, हम लोग थे सब लोगों के साथ, पांचों राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, तो उन्होंने बैठक में कहा कि महाराज जी बात आपकी सब ठीक है, गंगा के बारे में आपकी भावना सही है, लेकिन आप विकास के विरोधी हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है कि विकास का विरोध मत करिए। उस समय हमने विजय बहुगुणा जी से कहा था, विजय बहुगुणा जी आप अपना ये वाक्य वापस ले लीजिए, ये तो कहिए ही मत कि हम विकास के विरोधी हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम तो विकास के पुरोधा हैं, हमारे जितना विकास दूसरा कोई कर नहीं सकता है, हम वो व्यक्ति हैं। बोले कैसे? तो हमने उनको बताया कि ये बताइए कि आपके राज्य का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो उन्होंने हमको कहा कि हमारे राज्य का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 4 धाम यात्रा से आता है। तो हमने उनको कहा कि ये बताइए कितना आता है। बोले 25,000 करोड़ के लगभग का हमारा अभी का बजट है, आधा समझ लीजिए कि उससे आता है। तो हमने उनको कहा कि ये बताइए, 12,000 करोड़ का बजट आप बता रहे हैं साल में आपको मिल जाता है, ये कैसे मिलता है? पूरे देश के लोग आते हैं आपके यहाँ, कैसे आते हैं? तो चुप हो गए। हमने कहा चुप आप नहीं होइए, हम आपको बताते हैं, सुनिए, ये हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु वेद व्यास जी हुए, उन्होंने उत्तराखंड के माणा गांव के गुफा में बैठ करके वेद पुराण शास्त्र लिखे और उसमें लिखा कि ये परम पवित्र क्षेत्र है, गंगा का महात्म्य लिखा, यमुना का महात्म्य लिखा, केदार का महात्म्य लिखा, बद्री का महात्म्य लिखा, यहाँ पर बहने वाली धाराओं का महात्म्य लिखा, और लिखा ही नहीं, लिख करके अपने चेलों को पढ़ाया और चेलों को कहा कि जाओ पूरे देश में गांव-गांव में चौकी लगा के बैठना और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके यहाँ का महात्म्य बताना और कहना कि बिना वहाँ गए तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। वो तब से लेकर के आज तक हम उनके चेले गांव-गांव में जा जा करके चौकी लगा करके बोल रहे हैं, बता रहे हैं,
और उसी बात को सुन सुन करके लोग अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आपके प्रदेश में आ रहे हैं, उससे आपको रेवेन्यू मिल रहा है, तो आपके स्टेट का विकास करने वाले हम हैं। तो वो खड़े हो गए अपनी जगह से और खड़े होकर के कहा कि महाराज मैं आपकी बात को समझ गया, आप मेरे अफसरों को भी ये बात समझा दीजिए, मैं समझाऊंगा तो वो लोग नहीं समझेंगे, मैं तो आपकी बात एक मिनट में समझ गया। तो हमने कहा हम समझा देंगे, आप इकट्ठा करो। तो फिर एक तारीख तय हुई कि आप उसी दिन देहरादून आइए, वहाँ हम अपने अफसरों को इकट्ठा करेंगे। तो हम लोग उस तारीख के लिए आए, देहरादून आए, मुख्यमंत्री के भवन में गए, उनसे फिर बात हुई, उन्होंने सब अफसरों को इकट्ठा करना चाहा, लेकिन उसी समय राजनीति होने लग गई और फिर अफसर इकट्ठा ही नहीं हुए, तो अफसरों से हम लोगों की बात नहीं हुई, तो बात जहाँ की तहाँ रह गई। और वो बात जहाँ की तहाँ रह जाने के बाद थोड़े दिन के बाद उनकी कुर्सी भी चली गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका माणा गांव है, अभी हमने एक श्लोक पढ़ा वेद व्यास जी के बारे में, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, हे व्यास जी आपको हम नमस्कार करते हैं, आप विशाल बुद्धि वाले हैं, फुल्लार विंदा यतपत्र नेत्र, और आप इतने सुंदर हैं कि आपकी आंखें खिले हुए कमल के दल के समान हैं। आपकी विशेषता क्या है? का आपकी विशेषता ये है कि ये जो पूरा भारत है ये एक दिए के समान है, जैसे मिट्टी का दिया होता है, और इस मिट्टी के दिए में जाने कितने संसाधनों की बाती लगी हुई है, लेकिन ज्ञान का तेल नहीं होने के कारण वो बाती प्रज्वलित नहीं हो रही है। आपने इसमें ज्ञान का तेल भर के इसको प्रज्वलित कर दिया, जिससे पूरा भारत प्रकाशमान हो गया, लोगों को ज्ञान की उपलब्धि हो गई। तो आपका ये जो गांव है माणा गांव, यही उस दिए की ज्योति है, जहां से प्रकाश फैल फैल करके पूरी दुनिया में जा रहा है और लोग ज्ञान को उपलब्ध हो करके आत्म कल्याण कर पा रहे हैं। ऐसे पवित्र क्षेत्र में आज आ करके हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपको हम बताना चाहेंगे कि हम आए क्यों हैं। हमारी तो राजस्थान में यात्रा चल रही थी, लेकिन वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी कि ट्रांसफार्मर जलने लग गए और भी दूसरी चीज़ों में आग लगने लग गई। तो वहाँ के लोगों ने प्रार्थना की कि अभी की यात्रा स्थगित कर दी जाए, इतनी गर्मी की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। आप देखिए आपके यहाँ भी मौसम कुछ अलग ही तरह का है, ऐसा रहता नहीं था। अभी शाम हो गई तब भी अपने लोगों को अभी ठंड की याद नहीं आ रही। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ की यात्रा हम लोगों की स्थगित हो गई, तो हमने सोचा कि हम चलें और चल करके अपने चमोली ज़िले में थोड़ा भ्रमण करें, गांव-गांव में जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले से ही सोचा था कि चमोली के हर गाँव में हम जाएंगे और जा करके वहाँ के चमोली के गांव-गांव का मंगल मनाएंगे। हमने इसके लिए नारा भी बनाया था, नगर गांव जंगलम भवतु चमोली मंगलम। चाहे चमोली का नगर हो, चाहे गांव हो, चाहे जंगल हो, हर जगह चमोली का मंगल हो, चमोली के चप्पे चप्पे का मंगल हो। तो उसी चमोली के चप्पे चप्पे की मंगल की भावना को लेकर के हम आए। कल आपके उत्तराखंड में हमने प्रवेश किया और सबसे पहले हमारे यहाँ शास्त्रों में मंगल के स्थान बताए गए, मंगल होता कैसे है। तो बताया है कि गाय जो है वो मंगल है, अगर कहीं जा रहे हों और गाय का दर्शन हो जाए तो शुभ हो जाता है। जहाँ गाय रहती है वहाँ पाप नहीं आते, दोष नहीं आते, भूत नहीं आते, प्रेत नहीं आते, अलाय बलाय नहीं आती। तो इसलिए गाय मंगल का प्रतीक मानी गई है। तो इसलिए सबसे पहले गौचर गए, चमोली जिले का गौचर गांव गायों के चराने के लिए ही अपने स्वरूप में स्थित है, प्रसिद्ध है। तो हमने सबसे पहले गायों का दर्शन करना चाहा कि गौचर चल करके गायों का दर्शन करें। तो वहां पर श्री कृष्ण गौ सदन गौशाला है, वहां पर हम गए और वहां जाकर के गौ माता की पूजा की, प्रणाम किया और गायों से प्रार्थना की कि आप आशीर्वाद दीजिए कि चमोली का मंगल हो। फिर हमारे मन में था
कि हमारे यहाँ जो सौभाग्यशालिनी स्त्रियाँ हैं उनको भी सुमंगली कहा जाता है, वो भी मंगल का कारण है। अपने लोग घर से निकलें किसी काम के लिए और सुवासिनी स्त्री श्रृंगार किए हुए मिल जाए तो वो भी शकुन होता है। तो हमने सोचा कि अब सुवासिनी का दर्शन करना चाहिए, लेकिन कोई कार्यक्रम हमको पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे क्या होगा, लेकिन मुकुंदानंद जी ने माणा ला करके बैठा दिया और यहाँ सुमंगली ही सुमंगली। इनका ये सुंदर वेश जिसमें एक अलग ही रूप इनका निखर के आता है, आज के दिन भी हम लोग जब देखते हैं तो लगता है कि साक्षात कोई देवी विराजमान है हमारे सामने। ऐसा सुंदर भाव जिस वेशभूषा को देख करके उत्पन्न होता है, ऐसी सुमंगलियों का दर्शन करने का अवसर मिला। और फिर अभी हमारे बीडी सिंह जी जो कि परंपराओं के बहुत बड़े पुजारी हैं, जिनसे हम लोगों को बड़ी आशा है कि ये हमारे पर्वत की परंपराओं को हमारे उत्तराम नायक क्षेत्र में सर्वत्र प्रसारित करने के लिए हम लोगों को सहयोग करेंगे। इन्होंने खड़े होकर के ये जो वेश है आपका इसके बारे में भी बता दिया। लेकिन एक इनके बताने से एक बात हमको ध्यान में आई, वो ये कि इन्होंने कहा कि ये जो वेश है हमारी माताओं का ये साक्षात हिमालय का रूप है। माने जब इसको धारण करती हैं तो मूर्तिमंत हिमालय सामने आया है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमको लगा कि गजब की बात है कि आज तक 50 वर्ष से ज़्यादा हमारी उम्र हो गई, हमने हिमालय के बारे में तो बार बार सोचा लेकिन हिमालया के बारे में कभी नहीं सोचा। आज इन्होंने हमको हिमालया के दर्शन करा दिए, तो ये भी एक अपूर्व अवसर हमारे लिए हो गया। अब जब हम इनको देखेंगे तो हमको लगेगा कि हिमालय मातृशक्ति का रूप धारण करके हमारे सामने आया है। अब वो पौरुष में उतना विश्वास नहीं रख रहा है, अब वो कहता है कि मातृशक्ति के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पतिव्रती ये जो बेटे बेटियां हैं उनको अपनी गोद में खिलाऊंगा। बड़ा आनंद है बंधुओं, जैसा कि हमने बताया भगवान शंकराचार्य जी का और ज्योतिर्मठ का बड़ा संबंध है। उन्होंने इस क्षेत्र की विशेषता को ज्योतिर्मठ तक खींच लिया शंकर भाष्यों की रचना करके। वैसे ही एक और परंपरा है जो परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही थी लेकिन बीच में टूट गई थी। आप जानते हैं कि 165 वर्ष तक जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे वो यहाँ थे ही नहीं, वो गुजरात के अहमदाबाद के पास धोलका नाम का एक गांव है वहाँ जा करके मठ बना करके रह रहे थे। तो सारी चीज़ें वहाँ जा करके सिमट गई थी, 8 पीढ़ियाँ वहाँ उनकी हुई। ये जो हमारे डिमरी जी हैं, डिमरी पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष जी, ये शोध कार्य कर रहे थे तो ये धोलका गांव जा करके आए और वहाँ का सब अध्ययन करके आए। हमारे जो चंद्रमौलीश्वर हैं वो हर आचार्य के चंद्रमौलीश्वर वहाँ सुरक्षित थे, वो हमको प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक आचार्य अपने शिष्य को एक चंद्रमौलीश्वर दे करके गया, क्योंकि हमारे यहाँ मठ की संपत्ति और कुछ नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने जब मठ बनाया तो जैसे कोई ट्रस्ट बनाता है तो उसमें कुछ न कुछ संपत्ति होनी चाहिए, उसी का ट्रस्ट होता है, धरोहर न्यास। तो ये हुआ कि संपत्ति क्या होगी, सन्यासियों की तो कोई संपत्ति होती नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कैलाश यात्रा करके 4 शिवलिंग लाए और उन्हीं में से एक एक शिवलिंग एक एक पीठ के शंकराचार्य को दे दिया और कहा यही तुम्हारे मठ की संपत्ति है, इन्हीं की पूजा आराधना करना, इसी से सब तुमको प्राप्त होता रहेगा। तो इसीलिए चारों शंकराचार्य पीठों में चंद्रमौली भगवान का, चंद्रमौलीश्वर भगवान का आराधन होता है। तो हर गुरु अपने शिष्य को एक चंद्रमौलीश्वर दे करके उत्तराखंड उत्तराम नायका गया है, वो वहीं पर सुरक्षित है, वहीं से हमको भी प्राप्त हुए हैं। उनकी पूजा मठ में होती है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो आपका चमोली जिला है, ये चमोली जिले का नामकरण कैसे हुआ है? ये चमोली जिले का नामकरण हमारे ज्योतिर्मठ के आराध्य देवता चंद्रमौली के नाम पर हुआ है। चंद्र का च और मौली का मौली बन गया चमोली। ये चमोली नहीं, ये चंद्रमौली है।
पूजनीय है, विशेष करके हम उत्तराम नाय के लोगों के लिए। तो ये चंद्रमौलीश्वर की धरती, इस धरती पर मंगल मनाने के लिए हम लोग निकले और आज यहाँ पर मंगल गान हुए। अलग अलग दलों ने माताओं के अलग अलग मंगल गान गाए, बहुत ही सुंदर सुंदर मंगल गान थे। भाषा के न समझने के कारण बहुत तो हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आपके संचालक महोदय ने हिंदी में भी भाषांतर करके संक्षेप में मंगल गान का तात्पर्य हम लोगों को बताया। बहुत ही प्रसन्नता हमको मन में हो रही है। हमारे पीताम्बर जी कहाँ बैठे हैं, छुप गए हो क्या? ये पीताम्बर जी निरंतर हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। इनसे हम लोगों की बात हुई थी, जब हमारे गुरु जी महाराज अस्वस्थ रहने लगे तो हमारे मन में आया कि माणा गांव से एक टीम चले और अपनी वेशभूषा में चले और वहां जल करके महाराज जी को कुछ यहां के लोक गीत और वो सुनाए जाएं, लोक नृत्य दिखाया जाए। तारीख भी तय हो गई थी कि कब चलना है, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने व्यापक रूप धारण कर लिया। तो अब उनका शरीर जहाँ था वहाँ जा करके उनको हम लोग नहीं दिखा पाए, लेकिन अब हम जहाँ नाचेंगे वहीं से वो देख सकेंगे कि क्योंकि अब वो व्यापक हो गए। तो हम समझते हैं आज का जो कार्यक्रम है ये केवल हमने नहीं देखा, हमारे गुरुजी महाराज ने भी यहीं बैठ करके ये सब कार्यक्रम देखा है और उनका भी आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। सबके लिए जो लोग भी यहाँ हैं, कई लोगों का तो हम अभी नाम नहीं जानते, केवल चेहरा जानते हैं, कई लोगों को चेहरे से भी नहीं जानते हैं, आगे जानेंगे, लेकिन ये निरंतर हम लोगों का संपर्क परस्पर बना रहे और यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की दिव्य भावनाओं को हम लोग सर्वत्र संप्रेषित करने में अगर समर्थ हो सकें तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। आपका ये 3 दिन का जो जेठ का उत्सव है ये सफल हो, इसकी शुभकामना देते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।